जो लोग अपने लाइफ में अपने हाइट को लेकर अपने कलर को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और ब्लेम लगाते हैं इस प्राकृतिक को कि यार मेरा कलर सांवला है, मैं गोरा नहीं हूं, मेरी हाइट ज्यादा नहीं है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप जैसे भी हैं सबसे बेहतर हैं, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा कोई दूसरा इंसान ही नहीं बनाया। जब तक इस बात को आप नहीं मानेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे और आप हमेशा दूसरों पर ब्लेम ही करते रहेंगे। तो आज मेरी इस बातों को याद रखें और ऐसा सोचें कि भगवान ने हमारे जैसा किसी दूसरा नहीं बनाया। हम जैसे भी हैं वन मैन आर्मी, हम अकेले कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आज पब्लिक में काफी लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं, हमारी हाइट कम है, हमारा रंग सांवला है या हम किसी से कम है। तो दुनिया उनके चमत्कार को देखती है, उनके लाइफ को देखती है, लेकिन उनके स्ट्रगल को नहीं देखती है। तो आपको भी अपने लाइफ में स्ट्रगल करना है, साहस करना है, लाइफ में रिस्क लेना है। बिना रिस्क लेकर तो कुछ होने वाला नहीं। आप बैठकर सोचेंगे कि हम ज्यादा पैसे कमाएं, ज्यादा पढ़ाई करें, आप पढ़ाई करके कुछ बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको सोचने से नहीं होगा। आपको पैसा कमाना है तो मेहनत करनी होगी। आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना अपने स्कूलों में, तो आपको लगातार पढ़ाई करना होगा, आपको एक गोल बनाना होगा। इसी टॉपिक पे मैं आज, एक बार की बात है कि एक कौवा अपने जीवन से काफी ज्यादा परेशान था, अपने रंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसका रंग काला होता है, उसका रंग काला होता, तो उसे अपने काले रंग से काफी परेशान था, क्योंकि जब वो दूसरे पक्षियों को देखता था, रंग बिरंगे पक्षियों को, तो काफी खुश होता था। जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, उसका रंग काफी अच्छा, उसका हाइट काफी अच्छा, तो हम भी खुश होते हैं। वैसे कौवा भी दूसरे पक्षियों को देखकर जलन महसूस करता है कि भगवान तूने हमारे साथ ना इंसाफी की, हमें ये कौवा बनाकर ये अच्छा नहीं किया। तो एक बार वो एक साधु संत से पूछ ही लेता है कि महात्मा मुझे, मेरे साथ भगवान ने काफी ना इंसाफी किया। महात्मा ने बोला क्यों? बोला कोई मेरा रंग है, मैं कितना काला हूं, लोग मेरी आवाज से नफरत करते हैं, कोई बैठने नहीं देता है। तब महात्मा ने बोला ठीक है, तू क्या बनना चाहेगा? महात्मा ने कहा मुझे हंस बना दो, सिर्फ एक मौका मुझे दे दो तो मैं हंस बन जाऊंगा। महात्मा ने कहा ठीक है, मैंने तुझे हंस बना दिया, लेकिन तू जाके एक बार हंस से तो पूछ कि क्या हंस अपने जिंदगी में खुश होता है, कैसा है उसका लाइफ, कैसा है। वो हंस के पास जाता है, हंस के पास जाता है, बोलता वाह भाई आपकी तो क्या लाइफ है, कितने अच्छे दिख रहे हो, वाह वाह सफेद सफेद, कितना सुंदर रंग है आपका, लोग आपकी फिर फोटो लेते हैं, आपका पिक्चर लेते हैं, आपका वीडियो बनाते हैं। हंस से बोला कौन बोला रे, क्या मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, तुझे मैं अपनी जिंदगी में खुश दिखता हूं? कौवे ने पूछा क्यों? बोला मेरा कोई रंग है सफेद, पानी में जाता हूं तो दिखता नहीं हूं, कोई मर जाता है सफेद कपड़ा, हर चीज में सफेद, मेरा कोई रंग है? तो उससे कौवे ने पूछा तो अपनी जिंदगी से खुश है? नहीं, बोला नहीं। बोला फिर दोनों वापस आकर उस महात्मा के पास आते हैं। कौवा उस महात्मा को बताता है कि हंस भी नहीं बनना। तो कौवा बोलता है, महात्मा बोलते क्यों? बोलते ये भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। बोलता कोई रंग है सफेद, सफेद में तो सफेद में घुल मिल जाता हूं, पूरा दूध का रंग, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, मैं दिखता नहीं हूं। तो महात्मा बोलते फिर क्या बनना चाहेगा? कौवा बोलता ठीक है, आप एक मौका और मुझे दे दो। बोलते ठीक है, मुझे मोर बना दो। तो बोलते जा ठीक है, मैंने तुझे मोर बना दिया, लेकिन शर्त वही है, जा और मोर से पूछ क्या अपने जिंदगी में खुश है। तो मोर के पास जाता है, बोलता वाह मोर भाई,
आपकी क्या लाइफ है, क्या सुंदर रंग बिरंगे फंगे। वाह वाह वाह, लोग तो आपको देखने के लिए लाइन लगाते हैं, आपकी सेल्फी लेते हैं, आपकी फोटो खींचते हैं। मोर बोला, कौन बोला कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ? तो कौवा बोला, तू भी खुश नहीं? नहीं बोलता, क्यों? तो पास एक टक टक की आवाज आती है। मोर बोलता, ये आवाज सुन रहा है? कौवा बोलता, हाँ। बोलता, ये एक शिकारी की आवाज है जो मेरी ही तरफ आ रहा है। इसने मेरी माँ को मार दिया, मेरे बच्चों को मार दिया, और अब ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। तुझे सुन रहा है? तो बोलते, हाँ। मेरे लाइफ हमेशा खतरे में, कब मैं मर जाऊं कुछ पता नहीं। बोलते, तू भी अपनी लाइफ से खुश नहीं? मोर बोलता, नहीं। कौवा वापस से उस महात्मा के पास आता है। बोलता, महाराज मोर भी खुश नहीं है अपनी लाइफ से। तो महात्मा बोलते, बता अब क्या बनना चाहेगा? कौवा बोलता, सिर्फ मुझे एक मौका और दे दो। बोलते, क्या बनेगा? तो बोलते, अभी मुझे पायरेट बना दो। महात्मा बोलते, जा, तुझे एक मौका और दिया, और शर्त वही है। वो वापस से जाता है पायरेट के पास। पायरेट के पास जाकर बोलता, वाह आपका क्या रंग है, क्या रूप है, लोग आपको अपने घरों में पालते हैं, आपको दाना चुगाते हैं। पैरेट बोला, मैं इस पेड़ का 2-3 चक्कर मारा तुझे मैं दिखा? 2-3 राउंड मारा मैंने इस पेड़ का तुझे मैं दिखा? कहीं नहीं दिखा। कोई मेरा रंग है? साला इस पेड़ में बैठता हूं तो मुझे कोई पहचानता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, जैसे मैं है ही नहीं। तो कौवा बोलता, तू भी अपने लाइफ से खुश नहीं है? बोलता, नहीं। बोलता, ठीक है तू बता, अगर तुझे लाइफ में कुछ बनना होगा तो तू क्या बनेगा? बोलता, मुझे अगर लाइफ में मौका मिला ना तो मैं तो तेरे जैसा बनूंगा, मैं कौवा बनूंगा। बोलता, क्यों? बोलता, तूने कभी कौवा बिरयानी सुनी? बोलता, नहीं। बोलता, तुझे जान का कोई खतरा? बोलता, नहीं। तुझे कोई पकड़ता? बोलता, नहीं। बोलता, फिर क्यों परेशान है तू? हाँ, हम सबकी लाइफ खतरे में, साला तुझे कोई पकड़ता भी नहीं, कोई खाता भी नहीं, फिर तू क्यों परेशान है? तो आप जैसे भी अपने लाइफ में हैं, आप काफी ही ज्यादा बेटर हैं। जब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे तब तक आप अपने से परेशान ही रहेंगे। तब कौवा को काफी ही आश्चर्य हुआ और वो अपने लाइफ से संतुष्ट हुआ कि जैसा मैं हूं वैसा मैं सही हूं।